Madura.
Shri Nishkalanki Narayana Bhagavan Prayagraj Dham Ki Gopal Krishna Bhagavan Ki Prabhu Ramachandra Bhagavan Ki Pavana Suta Hanuman Ki Triveni Sangam Ki Sadguru Imam Shahji Maharaj Ki Jai Jagadguru Ramanandacharya Bhagavan Ki Jai Adi Jagadguru Prasandas Ji Maharaj Ki Jai Jagadguru Namnadas Ji Maharaj Ki Jai Jagadguru Swami Hans Devacharya Ji Maharaj Ki Guru Jagannath Maharaj ki jai Sab santan ki Om Namah Parvati Pate सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ उपस्थित आप सभी दिव्यात्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव जय श्री राम। परम कृपालु परमात्मा आराध्य दैवत युगावतार श्री निष्कलंकी नारायण भगवान इनकी कृपा सद्गुरुदेव इमाम शाहजी महाराज इनकी पावन कृपा जगतगुरु नानक दास जी महाराज इनका कृपा आशीर्वाद और जिनके सानिध्य में हम इस आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, इस भक्ति सागर में डुबकी लगा रहे हैं, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय अनंत श्री विभूषित श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी हंस देवाचार्य जी महाराज इनका स्मरण करते हुए पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए मंचस विराजमान हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय महेन श्री जयराम दास जी महाराज एवं हमारे परम स्नेही परमादरणी हमारे राम किशन दास जी महाराज एवं हमारे प्रिय हमारे परम श्रद्धेय श्री गुरुमाल जी महाराज उपस्थित आप सभी वडील माताएं बहनें हमारे युवा मित्र आप सभी का हृदय से अभिवादन करता हुआ आप सबका धन्यवाद करता हुआ और आज की इस सभा में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हुआ। वैसे तो हरि के प्यारों
का दर्शन हरि का दर्शन कहलाता है और मैं मानता हूँ यह अनेकों स्वरूप में मेरे हरि मेरे प्रभु यहाँ विराजमान है। बोलने वाला भी वही है और श्रवण करने वाला भी वही है। एक तू ही तू, एक तू ही तू, संसार सागर सकल चे झूठो मत जानो है मेरा रे। कि ये संसार सागर जो है नाशिवंत है, क्षणिक है, इसलिए इसे झूठा कहा गया। थोड़ा आवाज दे बस थोड़ा। संसार का विलय होगा, संसार का एक दिन विनाश होना है, नाशिवंत कहा गया। लेकिन एक तू ही तू, लेकिन जिसे हम एक कहते हैं बस वो एक अखंड है, शाश्वत है, सनातन है। इसलिए उस एक को समझने की यहां पर हम कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण ये सारी सृष्टि का निर्माण हुआ, जो निर्माता है, जो संचालन करता है, जो संचालन कर रहा है। ऐसे जो हमारे परमात्मा है उसकी लीला अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। उसे जानने के लिए वेद भी कहते हैं, नेति, नेति की अब हमारी क्षमता पूर्ण हो गई, हम वर्णन नहीं कर सकते। तो इस बालक की उसके सामने तो कोई क्षमता नहीं है, लेकिन मैं भगवान की इस वाणी को, दिव्य वाणी को मैं पुण्य पावनी उस राधा रानी का स्मरण करते हुए, उस राधा रानी का, उस गोपियों के भाव को वर्णन इसलिए करने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा हृदय भी निर्मल हो जाए, हृदय में भाव उमटे, मैं काबिल बनूं, मैं पात्र बनूं, मैं योग्य बनूं। इसीलिए ये मेरी थोड़ी कोशिश है। गोपी गीत का जो भाव है वो हम, ये हमारे हृदय में भाव भर देता है। गोपियों का ये चरित्र, गोपियों का समर्पण, गोपियों का त्याग, जैसे कि हमें कोई बीमारी हो हम दवाई खरीदते हैं, दवाई खरीद कर अगर हम खीसे में रख देते हैं तो बीमारी ठीक नहीं होती, मैं मानता हूं उसी तरह गोपियों ने उस औषधि को ग्रहण किया है। और हम भी जब ये गोपी गीत की जो चर्चा है, गोपियों का भगवान के ऊपर जो अनन्य भाव रहा है, उस भाव को सुनने के बाद अगर जीवन में उतारने की कोशिश हम करते हैं तो मैं मानता हूं हमारी सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। एक बहुत बड़ी बीमारी हम सबको है, आद्य जगतगुरु शंकराचार्य जी भगवान कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो पुनः पुनः हमें जन्म धारण करना पड़ रहा है, जन्म मृत्यु के चक्र में हम जो फंस चुके हैं, उस चक्र से वो मुक्ति अगर हम सबको चाहते हैं तो उसी का रास्ता गोपी हमें दिखाती है। अगर हम गोपियों के बताए रास्ते पर चलेंगे, गोपियां जिन रास्ते पर चली है उस रास्ते पर चलने की हम कोशिश करेंगे उसी भाव श्रद्धा समर्पण के साथ, तो मैं मानता हूं कि ये जो बीमारी है, एक शरीर छोड़ हम दूसरे शरीर को धारण कर रहे हैं, किसी की मृत्यु हो जाए तो हम कहते हैं ये मर गया, इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन संतों ने कहा अरे कहां से इसकी मृत्यु हो गई, वो तो वापस किसी नए शरीर को धारण कर वापस आ चुका है, वो गया ही कहां, वो तो वापस आया।
सतपंथ शास्त्र के अमृत वाणी में सदगुरु भगवान बहुत सुंदर बात इस बारे में कहते हैं, झूठा मरना सब जग मरे, साचा मरे न को, गुरु ज्ञान वेधा जे जीव मरे, तेने फरी मरन न हो। झूठा मरना सब जग मरे, साचा मरे न कोई, कि झूठ मूठ के सब मर रहे हैं, मरने का तो नाटक हो रहा है। साचा मरे न कोई, शबरी की तरह कहा हमें मृत्यु आ रही है। मां शबरी की जब मृत्यु हुई थी, जब देवलोक में गई थी मां शबरी, तो अपने अपने नजर से भगवान के दर्शन कर रही थी, कानों से भगवान के द्वारा ही ज्ञान सुन रही थी। हम तो जब हमारी मृत्यु जैसे जैसे समय पाती है, वैसे वैसे हम वासनाओं में फंसते चले जाते हैं, उतनी और चिंताएं बढ़ने लग जाती है। मृत्यु के समय भी संसार की याद, मृत्यु के समय भी संसार की चिंता, मृत्यु के समय भी वो कर्म बंधन, मृत्यु के समय भी वही आसक्ति, मृत्यु के समय भी वही चाह इच्छा पूर्ण ही नहीं होती। इसीलिए वो इच्छाएं, वो कर्म बंधन, वो वासनाएं हमें वापस नए शरीर में ले आती है। जैसे वस्त्र बदलते हो सुबह स्नान के बाद, वैसे हमने बस शरीर बदला है। गुरु ज्ञान वेद है जे जीव मरे तेने फरी मरण हो, ऐसी मृत्यु होनी चाहिए कि बस बाद में कभी मृत्यु आए ही नहीं, हम जीवन मुक्त बन जाए, हम ऐसी मृत्यु को प्राप्त करें कि बस मृत्यु हो जाए और बस अपने ब्रह्म की, अपने निज धाम की, गोलोक की हमें प्राप्ति हो जाए। हम अपने, हम जिसके अंश है उस तेज स्वरूप सत अविनाशी जगत ना आधार, उस सत अविनाशी प्रकाश स्वरूप परमात्मा में हम एक हो जाए, जैसे कोई पानी का बूंद सागर में एक हो जाता है। पानी का बूंद सागर में जैसे ही गिर जाए तो सागर बन जाता है, बूंद का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। उसी तरह मैं भी अपने आत्मा को परमात्मा में समाहित कर दूं। जब ये आत्मा परमात्मा में एक हो जाती है, समाहित हो जाती है, तब इसके जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो रुकता है। इसीलिए हमें ऐसी मृत्यु को प्राप्त करना है। भाई मृत्यु तो वैसे सबको आती है, कई लोग मृत्यु पाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन मृत्यु में भी अंतर है। किसी की सामान्य किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो हम कहते हैं उसकी मृत्यु हो गई, और कोई देश की सुरक्षा करते हुए अगर दुश्मनों की गोली लगती है छाती में और वो अगर देह छोड़ता है, देश की सुरक्षा करते करते किसी, हम पूरे देश की सुरक्षा के लिए जो खुद का बलिदान देता है उसे हम मृत्यु नहीं कहते, उसे हम कहते हैं शहीद हो गए। सामान्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो हम कहते मर गया, चल बसा, मृत्यु हो गई। और उसे जो देश की सुरक्षा करने के लिए अपने छाती पर गोली या धारण कर रहा है, ऐसे कोई हमारा सुरक्षा जवान हो, अगर उसे देह छोड़ना पड़े तो कहा जाता है ये तो शहीद हुए। किसी महात्मा अगर शरीर को छोड़ते हैं, कोई महात्मा शरीर छोड़ते हैं, तो हम कहते हैं वो ब्रह्मलीन हो गए। मृत्यु को तो सब प्राप्त हो रहे हैं, और मृत्यु से बचा कौन है? नित्य सन्निहित तो मृत्यु, मृत्यु तो नित्य है।
मृत्यु आनी ही है, मृत्यु से कोई नहीं बच सकते। याद करिए रावण को, रावण कहता था मैं तो उस दशरथ कौशल्य की शादी ही न होने दूं, न राम का जन्म हो न मेरी मृत्यु हो। दशरथ कौशल्य जी की शादी भी होती है, भगवान राम का जन्म भी होता है और रावण का वध भी होता है। कंस समझता था कि मेरी मृत्यु ही न हो, देवकी वसुदेव महाराज दोनों को बंदिवास में डाल दिया, इतना ही नहीं बांध दिया, नजर कैद में रखा। इतना ही नहीं तो छह उनके पुत्रों को मार दिया। लेकिन होता वही है जो भगवान की इच्छा हो। आठवीं बार भगवान का प्रागट्य होता है। भगवान गोकुल पहुंचते हैं, गोकुल बाल्यावस्था में गोकुल पहुंचते हैं और फिर आकर कंस का वध करते हैं। नहीं बचा कंस। याद करिए हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप तो कहता था मैंने तो आकाश में मरू, न जमीन में, न सुबह न शाम, न सुबह में मरू न रात में मरू, न लकड़े के अस्त्रों से मरू, न शस्त्रों से मरू, न सजीव से, न निर्जीव से, न मनुष्यों से, न प्राणियों से, कितना कुछ मांगा था। लेकिन हिरण्यकश्यप को भी जाना पड़ा है। अपनी गोद में सुलाकर भगवान अपने नाखूनों से, न सुबह न दिन था न रात थी, संध्या काल का समय था, न 12 मासों में मरूंगा तो अधिक मास में उसको मारा, 13वां मास ले आए भगवान, नहीं बचा। इसलिए अनित्यानि शरीरानि वैभवो नैव शाश्वत, ये शरीर अनित्य है, वैभव शाश्वत नहीं है। एक दिन तो हम सबको मृत्यु को पाना ही है, बस कैसी मृत्यु प्राप्त हो ये कोशिश जीवन भर करनी है। मृत्यु के अलग अलग प्रकार है, कैसे मृत्यु को आप चाहते हो उस तरह से जीवन को जीने की कोशिश करें। मृत्यु सब प्राप्त होते हैं, मृत्यु को। सतपंथ शास्त्र में सद्गुरुदेव कहते हैं, हरे मन भ्रमरा तुलो भीयो, माया फूल डेलो भाई, दिन रे दो चार पेखनो भैरवी, अंते खाक मिल जाए, उगा सो ही दीनाथ में, फूला सो ही कर्माए, सुनिया सो मंदिर ढली पड़ा, जनिया सो मरी जाए। हरे मन भ्रमरा तू लोभियो, माया फूल डेलो भाए, लखपति छत्रपति चली गया, चली गया लाख दो लाख, राज करंता झरुके बेसंता, जलबल हो गया खाक। बहुत बढ़िया वाणी है, हम बचपन से इस वाणी को गाते आ रहे हैं, इसलिए इस वाणी को जब गाते तब बचपन भी याद आ जाता है। हरे मन भ्रमरा, एक गुरु कृपा थी। हमारे गुरुजी तो हमसे भी बढ़िया गाते थे इसको। और वो गाए और हम श्रवण करें, हृदय भर जाता था जब वो गाने बैठते थे हमारे गुरुदेव जगन्नाथ जी महाराज। बस वो गाए ऐसे शास्त्र वाणी और हृदय भर आ जाता था, पता नहीं सुनने वाले के आंख में कब आंसू आ जाए, ऐसे उनका आवाज भी था। और सुन सुन कर ही इतना वो वही गाते थे, सुन सुन कर याद रहा, हमने कभी ऐसे वो याद नहीं किया।
हरे मन भ्रमरात लोभियो माया फुलडे लोभ है कि अरे लोभी मन माया फुलडे लोभ है। इस माया रूपी फूल में हे मन रूपी भ्रमर तो भूल रहा है। मन को भ्रमर कहते हैं और माया को फूल कह रहे हैं कि जैसे कोई भ्रमर उस कमल के फूल में बैठता है और गंध लेते लेते भूल जाता है कि शाम हो रही है, शाम होते ही वो पंखुड़िया जो है मिट जाती है और अंदर बंद हो जाता है भ्रमर, मृत्यु हो जाती है। अगर वो शाम होने से पहले उठ जाता तो बच जाता था, लेकिन गंध में, माया में, मोह में, आसक्ति में इतना फंस गया भ्रमर कि याद नहीं रख पाया शाम हो रही है, उठ जाता। हमारा भी तो वैसे ही हो रहा है। जीवन की संध्या काल हो रही है, संध्या काल होने आई है, संध्या काल हो गई है, फिर भी ये मन कहां उठ रहा है? संसार से, आसक्ति से, वासनाओं से, कर्म बंधनों से कहां उठ रहा है मन? न जग को त्यागो न हरि को भूल जाओ जिंदगानी में, जिंदगानी में। न जग को त्यागो न हरि को भूल जाओ जिंदगानी में, रहो दुनिया में यू जैसे कमल रहता है पानी में। हमेशे कमलाचे पान भिजे ना पान्या तो तसे संसारात रहावे में। कमल का जो पत्ता है वो रहता पानी पर है लेकिन डूबता नहीं है, ऊपर रखता है अपने आप को। वैसे हम भी संसार में रहे जरूर, संसार से ऊपर उठ जाए। संसार गलत नहीं है, संसार में फंस जाना और प्रभु को भूल जाना गलत है। जैसे कि आप ट्रेन में बैठते हो और टीसी को बताया, टीटी को बताया, टिकट चेकर को कि टिकट घर में भूल आए, तो माफ थोड़ी ना होगा, वो थोड़ी क्यों सुने, वो टीटी सुने क्यों आपकी बात कि टिकट घर छोड़ा है? वो तो बोलेगा ऐसा तो हर आदमी बोलता है, भाई तू जो पैसा है भरवा दे, नहीं तो उतर नीचे। हमारा वैसा हो, जैसे एक आदमी है ना ट्रेन में प्रवास करने बैठा, जैसे ट्रेन रेल में प्रवास कर रहा था, टीटी आया बोले टिकट, तो ढूंढने लगा खीसे में, टिकट मिल नहीं रहा, 10 मिनट हो गए। टिकट चेकर ने कहा कि भाई क्या हुआ? बोले साहेब 2 मिनट। वो टिकट ढूंढने लगा, मिला नहीं, मिल नहीं रहा, तो टीटी ने देखा टिकट चेकर ने कि बोले आप भोले भाले दिखाई दे रहे हो, आप कोई सज्जन पुरुष हो, कोई बात नहीं, आपने टिकट निकाली होगी, वो कहीं गुम हो गई, बैठ जाओ आराम से, हम आपको माफ कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई गल नहीं। तो टीटी वहां से चले गए। जब दूसरे डिब्बों में टिकट चेक करवा के वापस आए, इसके पास ये वापस टिकट ढूंढ रहा था, ऊपर वाले खीसे में, नीचे खीसे में, पॉकेट में, बैग में। टिकट चेकर ने कहा कि भले आदमी, हमने आपको माफ कर दिया, फिर अब टिकट क्यों ढूंढ रहे हो? ये बोले मुझे टिकट ढूंढना पड़ेगा। बोले क्यों? हमने तो माफ कर दिए, जहां आपने उतरना वहां तक हम हैं, तो कौन बात की चिंता है, बैठ जाओ आराम से, आराम करो, भले आदमी हो। बोले नहीं मुझे ढूंढना पड़ेगा, टिकट जरूरी है। बोले क्यों जरूरी है? तो कहा टिकट चेकर साहेब आपने तो माफ कर दिया कि टिकट नहीं है, बैठ जाओ, आपने माफ कर दिया। फिर बोले टिकट जरूरी क्यों है? बोले टिकट के पीछे लिखा था हमें कहां उतरना है, इसलिए ढूंढ रहा कि नई नई स्टेशन उतरना है, इलाहाबाद जंक्शन उतरना है और कौन से जंक्शन उतरना है, वो टिकट के पीछे हमने लिखवाया था, इसलिए टिकट जरूरी है। शायद हमारा भी ऐसा ही हो रहा है कि हम वो टिकट भूल चुके हैं, हमारी वो टिकट खो गई है, कहां उतरना है,
कैसे अपने जीवन को जीना है, कैसे मृत्यु को प्राप्त करना है, हम उन वचनों को, उस ज्ञान को, उस समझ को, समझदारी को भूल गए हैं। हमारी भी वैसे हालत हो चुकी है। इसीलिए जीवन की संध्या काल अगर हो रही है तो हम ऊपर उठ जाए, अपने मन को हटाए, उस माया से ऊपर उठ जाए, माया से अपने मन को हटाने की हम कोशिश करें। क्योंकि जब तक ये मन नहीं हटता, जब तक आप इस मन को हटाओगे नहीं, तब तक ये मन जो है वो शैतानी करता रहेगा, वो शैतानी करेगा। ये मन हमें शांति से बैठने नहीं देगा, ये भगवान का भजन हमें नहीं करने देगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन को संस्कार दें, अपने मन को काबू करें, मन में भगवान के प्रति भाव पैदा करें। इसलिए अगर मैंने जैसे कहा मृत्यु सबको प्राप्त होती है, लेकिन कैसे मृत्यु प्राप्त हो ये हमने नक्की करना है। और अच्छी अगर मृत्यु हम प्राप्त करना चाहते हैं, अगर मृत्यु के बाद वापस नए शरीर को धारण नहीं करना चाहते, तो उसका मार्गदर्शन हमारे महात्मा करते हैं कि मन को काबू करिए। ये जो चंचल मन है, बस ये मन आपके काबू हो जाए, मन को आप जीत लो, तो मैं मानता हूं कि फिर वापस नए शरीर को धारण करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये मैता मन की जो शैतानी है, ये मन की शैतानी ठीक हो जाए, शांत हो जाए। इसीलिए हमारे तुलसी जी महाराज बहुत एक अच्छी बात करते हैं। मुँह से मन नहीं जीतो जाए, तो से अर्ज करूं सावरिया, तो से अर्ज करूं सावरिया, मुँह से मन नहीं जीतो जायो, मुँह से मन नहीं जीतो जायो, मन मेरा यह चंचल भारी छीन छीन ले रे लाड बुधारी, तोड़ फेंक दे ज्ञान पिटारी, मन जो है तोड़ फेंक दे ज्ञान पिटारी, ना कछु पार बसाई, मुँह से मन नहीं जीत्यो जाए, ये मेरा मन जो है वो ज्ञान की पिटारी तोड़ देता है, फेंक देता है। मेरा मन जो जो बुरा है ना वो याद रखता है, जो अच्छा भूल जाता है। पूरी कथा में वक्ता की अगर कुछ भूल हो जाए तो कुछ लोग उस भूल को पूरे 4 घंटे याद रखते हैं और अच्छाइयों को भूल जाते हैं। मन है, हमें हमें जीतना बुरा सुनना पसंद है, अगर उतना ही अच्छा सुनना पसंद आ जाए तो मैं मानता हूं कि जीवन का कल्याण हो जाए। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो पहले तो वो न्यूज पढ़ते हैं जो बैड है, हम न्यूज सुनते हैं तो पहले वो सुनते हैं जो बैड है,
आप याद करिए, अगर कोई ओपन डिबेट में झगड़ा चल रहा हो ना, पहले वो चैनल आप लगाते हो। उसी समय किसी अच्छे वक्ता की, जो ज्ञानी वक्ता है, विरक्त है, उसी कथा चल रही हो ना किसी अच्छे चैनल पे, वो नहीं देखते, वो झगड़े वाली डिबेट देखनी है। आज सुबह हमें भी फोन आया था एक चैनल वाले भाई का, बोले 8:30 से 9:30 एक घंटा आप आइए और चर्चा करनी है सभी संतों के बीच लाइव चर्चा में। मैंने कहा दोपहर में मेरी कथा है, वो भी है गोपी गीत, तो मेरी कोशिश है कि मैं तब तक कोई और चर्चा न करूं, मैं अपने हृदय को शांत बनाए रखूं, हृदय में भाव बनाए रखूं, कोई तर्क वितर्क हृदय में ना आए, बुद्धि में ना आए, कोई दोष, कोई द्वेष, कोई झगड़े वाली बात, तर्क वितर्क वाली बात, कोई द्वंद या तो कोई द्वेत वाली बात मेरी बुद्धि में ना आने पाए, क्योंकि मेरी राधा रानी भी नाराज न हो और मेरे प्यारे भगवान भी नाराज न हो। अगर मैं आपको सुना रहा हूं कि वो जो अहम है, जो मान की बात है, वो भगवान से दूर कराती है, इसलिए तो भगवान अदृश्य हो गए थे, अंतर्धान हो गए थे। अगर मेरे से भी मैं मानता हूं ऐसे कुछ गलती हो जाए, तो मेरे प्रभु कथा में से भी अंतर्धान हो जाएंगे, ना तो मुझे आनंद आएगा ना आपको आएगा कथा में, इसलिए हमने मना कर दिया। कहने का मेरा भाव है कि हमें मन को जीतना है, मन को वो बुरा न सोचे, न बुरा सुनने की उसे आदत डाले, मन को अच्छा ही सुनने की, अच्छा चिंतन करने की हम आदत डालने की कोशिश करें। इसलिए तुलसी जी कहते हैं, क्योंकि ये अनुभवी है महाराज तुलसीदास जी, मन मेरा यह चंचल घोड़ा, घोड़ा कहते मन को, मन मेरा यह चंचल घोड़ा सत्संग का मानत नहीं कोड़ा, कोड़ा समझते ना, मन मेरा यह चंचल घोड़ा सत्संग का यह मानत नहीं कोड़ा, ज्ञान ध्यान का लंगर तोड़ा, ज्ञान ध्यान का, ज्ञान ध्यान का, ज्ञान ध्यान का, ज्ञान ध्यान का लंगर तोड़ा, पल पल में ही नहीं नाय मोसे मन नहीं जीत्यो जाय, मोसे मन नहीं जीत्यो जाय। भाई आप पीछे क्यों झगड़ा कर रहे हो, कोई झगड़ा नहीं चालू है पीछे, मोह से मन नहीं जीत्यो जा। तुलसी जी की वाणी है, झूठी थोड़ी है, हमने सच करा दी। संत तो बड़े परमार्थी, संत अनुभवी है। अब चलने दो ना पीछे, आप क्यों उसमें जा रहे हो, आप तो कथा सुनिए,
जब आपने जो नक्की किया ना, कुछ भी हो जाए, जब मन वही बना रहेगा तो समझना अब राह नजदीक है, अब राह सही है और बस अब मिलन नजदीक है। इसलिए मन मेरा चंचल घोड़ा, मैं मन के ऊपर ही बोल रहा हूं कि एकाग्र करिए, और जैसे मैं कुछ अलग बात कर दूं मन पीछे दौड़ा जाता है। अब झगड़ा भले ना हो भी रहा हो तो मैं निपट लूंगा, लेकिन नहीं, आपने देखना जरूरी है कौन कर रहा है, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। वो है कौन, उसका परिचय आपके लिए जरूरी है। वो दोनों झगड़ क्यों रहे हैं, उसका कारण आपको समझना दुनिया से ज्यादा जरूरी है। ये सारी चीजें जरूरी है, न कि मेरी कथा। इसलिए तो कथा छोड़ आप पीछे देख रहे थे। बस हमें हमारी भक्ति में हम, इसलिए मैंने पहले कहा था, इसके श्रोता जो है ना परीक्षित है, मुमुक्षु, ये जो चर्चा हो रही है वो हमें परीक्षित बनना होगा। तब एक ही कथा जीवन मुक्ति के लिए काफी है, एक कथा जीवन मुक्ति के लिए, दस मुमुक्षु बने। इसीलिए ज्ञान ध्यान का लंगर तोड़ा, पल पल में ही नहीं आए, पल पल ये हमें बुराई की ओर ले जाता है। क्योंकि जो ज्ञान ध्यान का लंगर था वो तोड़ दिया, भोजन वाला लंगर चालू रखा। पेट की चिंता जरूर की करनी चाहिए, लेकिन जीवन की भी तो चिंता करें। मन हाथी नहीं काबू मेरे, मन हाथी, घोड़ा भी कहते मन को, अब हाथी कह रहे हैं, नहीं काबू मेरे ना य धोय सिर धूल बखेरे। महावत को भी नीचा गेरे, महावत को भी नीचा गेरे, जरा नहीं भय खाए मोसे, मन नहीं जीत्यो जाए सावरिया मोसे, मन नहीं जीत्यो जाए। ये मन हाथी जैसा है। देखो हाथी कितना बड़ा प्राणी है, लेकिन अंकुश जरूरी है। अगर वो अंकुश न हो तो हाथी तो उसकी ताकत से पता नहीं कितना नुकसान कर दे, कितना नुकसान करेगा, कितनी ताकत है। लेकिन वो अंकुश उसे काबू में रखता है, हाथी को। उसी तरह ये मन भी हाथी जैसा है, लेकिन ये भी काबू नहीं रह सकता। नहाए धोए सिर धूल बखेरे, इसको नहलाओ वापस वह धूल अपने माथे पर डाल देता है। जैसे आप देखे कि किसी दिन कोई कुंभार होता है ना, गधे को स्नान कराए, गधे को अच्छा से स्नान कराए, साबुन लगा के स्नान कराए, स्नान के बाद अच्छा सा फिर कोई ट्यूब लगा दे सुगंध वाला, और परफ्यूम आते हैं परफ्यूम स्प्रे, वो स्प्रे कर दे, परफ्यूम लगा दे गधे को। अब 5 मिनट के बाद देखना क्या होगा,
मालिक ने इतना प्रेम से नहलाया, मालिक को गर्म पानी नहीं मिला सुबह नहाने, इतने अच्छे गर्म पानी से गधे को नहलाया, साबुन से नहलाया, परफ्यूम लगाया, और 5 मिनट के बाद देखा मालिक ने तो गधा वही मिट्टी में जाकर सोया पड़ा है, मिट्टी के साथ खेल रहा है और शरीर को गंदा कर रहा है। वैसे ही हमारे मन का हो जाता है। जब ये व्यासपीठ वाले कुम्हार हमारे मन रूपी गधे को नहलाते धुलाते हैं, परफ्यूम सुंदर सुंदर विचार देते हैं, जैसे ही मंडप छूट जाए ये मन वापस उस संसार वाले कीचड़ में धूल में एक हो जाता है। वो कीचड़ वो धूल अपने शरीर को लगाना शुरू कर देता है। वैसे ही हो रहा है। वैसे तो कई श्रोता ऐसे है कि जैसे पत्थर होता है, पानी डालो, जितना समय पानी डालते रहोगे वो पत्थर भीगा रहेगा, पानी बंद पत्थर सूखा हो जाएगा। जब तक पानी की धार चालू है वो भीगा रहेगा। वैसे जब तक कथा शुरू है तब तक ऐसे लगता है कि अब यहां से उठ के अब घर थोड़ी ना कोई जाएंगे, सीधा हिमालय ही जाएंगे। आपका चेहरा तब तक ऐसे लगता है जब तक आप कथा में बैठे हो, लेकिन कथा पूरी हो जाए, मंडप छूट जाए, पता ही नहीं चलता वो अंदर जो बैठे थे यही है। शमशान में जाते हैं ना लोग किसी की अंतिम यात्रा में, वहां ऐसे बैठते हैं, कोने में खड़े रहेंगे, बैठेंगे, ऐसा चेहरा करेंगे, ऐसे लगेगा अब ये सीधा हिमालय ही जाएंगे, जीवन को समझ गए। और जैसे घर जाए, स्नान करे, स्नान के साथ वो विचार भी धूल जाते हैं कि एक दिन अब जिसको हम पहुंचा कर आए, जिसको अंतिम संस्कार करके आए, एक दिन मेरा अपना भी ऐसे ही होना है। स्नान के साथ वो विचार धूल जाते हैं, वापस वही अभिमान अहंकार से भरा जीवन जीना शुरू हो जाता है। यही तो दिक्कत का कारण है, यही तो बीमारी है कि हम जो भी कर रहे हैं वो हृदय से दृढ़ता के साथ निष्ठा के साथ नहीं कर पा रहे। इसलिए तुलसीदास जी मन को हाथी कहते हैं कि ये तो इतना, ये महावत को भी नीचा गिरा दे। हाथी जैसा मन है, महावत क्यों बैठता है उसको काबू करने, वो महावत को भी फेंक दे। हाथी ये मन ऐसा ही है, ये मन देखो हम जो रोना पड़ता है, जो हमें शोक होता है, जो चिंता होती है, वो मन के स्वभाव से होती है। मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धि चे कारण, मन करारे प्रसन्न, मन को हम प्रसन्न करे सारी सिद्धियों का कारण मन है, सारी सिद्धियों का कारण मन। इस मन को प्रसन्न करे, इस मन को काबू करे। आप कहो कि कैसे, आप बताए जा रहे हो लेकिन फार्मूला तो दो। एक दिन एक राजा ने एक बकरी खरीदी, उसको प्यारी थी बकरी। तो एक दिन राजा के मन में पता नहीं क्या बात आई, राजा ने कहा कि पूरे अपने राज्य में सबको कह दो इस बकरी को जो तृप्त करेगा उसे इनाम मिलेगा, मुंह मांगा इनाम मिलेगा। तो लोग आए बोले बकरी को तृप्त करना कौन बड़ी बात है, ले गए राजा से। पूरा दिन जो बकरी को जो घास अच्छी लगती है, जो खाने में अच्छा लगता है बकरी को, वो देखो खाते पशु है, हम पाते हैं, फर्क है। खाते पशु है, हम पाते हैं, हम आरोगते हैं, हम भोजन करते हैं।
तो बकरी को चराने ले गया, दिन भर ऐसा चारा ऐसी घास खिलाई बकरी को, जो भी पसंद है खाने में वो पूरा दिया, पूरा चराया, शाम तक समय दिया हुआ था कि शाम को 6 बजे बकरी को वापस ले आओ, हम फिर परीक्षा करेंगे। जो ले गया था 6 बजे बकरी को ले आया, उसे पता था बकरी अब कुछ खाएगी ही नहीं, ये इसका पेट भर गया है। जैसे राजा के सामने बकरी को खड़ा किया, राजा को कहा कर लो परीक्षा, हमने तो बहुत इसको भोजन करा दिया। राजा ने कहा ठीक है। अब राजा ने जो थोड़ी घास पसंद होती है ना बकरी को, वो मंगवाई सेवक के हाथों। जैसे घास मंगवाई, राजा ने बकरी के सामने फेंकी, उसको खाने के लिए दौड़ गई बकरी, और दौड़ते दौड़ते गई और घास खाने लगी। राजा ने कहा इसका पेट तो अभी भरा नहीं, कहां तृप्त हो गई। कई लोगों ने ऐसे कोशिश की, कई लोगों ने तो इंटरनेट पर भी ढूंढा, गूगल पर, कि बकरी को खाने में क्या पसंद है, और वो फिर वो सब कोशिशें की, खर्चा करने में दिक्कत क्या थी, गूगल में ढूंढा, वो किया, कोशिश की, इंटरनेट का यूज किया, ढूंढा क्या खाने में पसंद है, वो सारी कोशिश की, सब थक गए, नहीं तृप्त हो रही। राजा आते ही परीक्षा करते वहां पर। अब राजा ने कहा कि क्या कोई तृप्त कर ही नहीं पाएगा इस बकरी को। तो एक किसान आया, एक अनपढ़ जो किसान था, वो किसान आया और किसान कहने लगा राजा जी कोई बात नहीं, हम इस बकरी को तृप्त करते। राजा जी ने कहा अरे बड़े बड़े आके गए भाई, फेल हो गए परीक्षा में, आप कैसे तृप्त करोगे इसे। तो किसान ने कहा जमीन से जुड़ा आदमी हूं मालिक, किसान जमीन से जुड़ा आदमी है, किसान इस धरती का भगवान है, और ये किसान की प्रधानता वाला ये देश है। मैं अपने मंच से, अपने इस शिविर से, अपने पूरे भारतवर्ष के किसानों को भी स्मरण कर रहा हूँ, और हमारे विश्व भर के, हमारे भारतवर्ष के सभी किसानों के लिए यहाँ त्रिवेणी संगम के तट पर माँ गंगा के गोद में बैठते हुए प्रयागराज कुंभ मेले के शुभ अवसर पर मैं अपने भारतवर्ष के सारे किसानों को याद करता हूँ, उनके कल्याण की भगवान के पास कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ हमारे भारतवर्ष के सभी किसान भाइयों के लिए। जाहो जिलाली कितनी हो, भूख लगने पर भोजन ही करना है, रोटी खानी पड़ती है। आप सोना चांदी नहीं खा सकते, पैसा नहीं खा सकते, और वो जो धान्य है वो हमारे किसान भाई पैदा करते हैं। इसीलिए किसान ने कहा कि आप मेरे पर छोड़ दीजिए, मैं इस बकरी को तृप्त कर लाता हूं। बोले ठीक है कर लो, प्रयोग करो, करो कोशिश। बकरी को वो किसान आदमी ले गया, और बकरी को अब राजा को लगा ये कौन सी घास खिलाएगा। बोले मैं देख लूंगा जो करना है। किसान बकरी को ले गया, बकरी को कौन सी घास पसंद थी वो सबसे ज्यादा तो किसान को पता होता है, वही घास किसान ले आए। और जैसे वो बकरी को जो घास पसंद है, बकरी ने देखा ये तो मुझे घास बहुत पसंद है और ये आज तक इसने नहीं खिलाई, तो उसको दिखाई बकरी को, उस किसान भाई ने वो घास दिखाई और सामने रखी, बकरी के गले में दोरी बांध दी थी, जैसे खाने जा रही थी बकरी को पीछे खींच लिया, एक लकड़ी लेके मुंह पे मारना चालू कर दिया किसान ने। अब थोड़ी देर बाद बकरी चारे को देखती, किसान को देखती, जैसे खाने जाती वो किसान भाई मुंह पे लकड़ी मारता, जैसे खाने जाती। अब दोपहर हो गई,
भूख तो बहुत लगी। अब बोली जो हो जाने दो, अब तो खाऊंगी। जैसे जाने लगी और जोर से मार पड़ने लगी। शाम होते होते उसने छोड़ दिया कि अब उस घास की तरफ चारे की तरफ देखो ही नहीं, तो पीटने से बचेंगे, नहीं तो ये तो मार देगा। आज तो छोड़ो ये घास, आज नहीं कल मिलनी है, लेकिन इसकी मार बहुत हो रही है। तो मार इतनी मिल रही थी कि वो चारे को भूल गई और उसकी आसक्ति समाप्त हो गई, उसकी तरफ देखे नहीं बकरी। किसान ने कहा चलो हो गया काम। किसान राजा के पास उस बकरी को ले आते हैं और कहते राजा जी कर लो परीक्षा। राजा ने कहा चलो ठीक है भाई। अब इसको देखने बहुत लोग आ गए थे कि ये छोटा सा किसान, अनपढ़ किसान क्या क्या कर लेगा, ये करेगा क्या। देखने बहुत लोग आ चुके थे, सब देख रहे थे क्या होगा। राजा ने जैसे ही थोड़ा चारा फेंका उस बकरी की तरफ, अब बकरी को तो भूख बहुत लगी थी, सुबह से मार के अलावा कुछ खाया ही नहीं। जैसे बकरी जाने लगी, किसान ने लकड़ी जमीन से ऐसी थोड़ा आवाज निकाला, लकड़ी सामने रखी। अब इसको तो पता था लकड़ी क्या करती है बकरी को। लकड़ी को देखते ही बकरी पीछे हट गई। अब बकरी ने कहा ये न खाए तो अच्छा, जान बचे। बकरी गई नहीं, दो तीन बार बकरी के मुंह के पास घास लेकर डाल दी राजा ने, लेकिन लकड़ी को देख रही थी बकरी। और पीटने से बचने के लिए उसने घास छोड़ दी खाना। किसान जीत गए और मुंह मांगा इनाम उस किसान भाई को मिला। हम भी आपको मुंह मांगा इनाम देने तैयार है, बस इस तरह अपने मन रूपी बकरी को काबू करने की कोशिश आप करें।